नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद सिंह फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल पे आपके लिए फिर से लेकर के आया है प्रतिशत पार्ट फाइव। परसेंटेज का पार्ट फाइव लेकर के आया दोस्तों। हमने पार्ट फोर में जहाँ तक छोड़ा था उसी के आगे ये थोड़ा सा आप फिर देखते हैं हम लोग कि कैसे उस चीज को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को 10% कम कर देता है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को देखिए, हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट A into B = X। याद होगा उम्मीद करते हैं दोस्तों, हमने देखा था कि ए और बी दोनों ही एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बी कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो बी और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो इसी को हम लोग दूसरे वे में लिख सकते हैं। यहां पर सवाल के अकॉर्डिंग मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च ये कैसे होता है। ठीक है, जैसा मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, और आपको 10 किलोग्राम खपत करनी थी तो जितनी खपत करनी थी उतनी ही खरीदेंगे भाई। 10 रुपए मूल्य था, 10 किलो खरीदा तो खर्चा कितना बना आपका 100 रुपए। ठीक है भाई, तो ये 100 रुपए खर्चा बना। तो निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था लास्ट में, वही उसी के पैटर्न पे ये भी काम कर रहा है। इसकी वर्किंग भी सेम उसी तरह से है, मतलब कि अगर मान लो इसका खर्चा 100 रुपए था और मूल्य को बढ़ाया गया कितना 20%, तो खर्चा भी हमारा क्या होगा दोस्तों 20% बढ़ जाएगा। बढ़ा दिया, फिर कह रहा है कि वो अपनी खपत को 10% कम कर देता है, यानी कि हमको पता है दोस्तों कि अगर खपत को 10% कम करता है तो हमारा खर्चा भी क्या होगा 10% कम हो जाएगा। लेकिन ये कम कहां से होगा भाई, जो बढ़ करके आया है, क्योंकि ये 10% भी अपना इफेक्ट डालेगा तो वो इस पे डालेगा। इसका 10% 120 का 10% कितना होगा दोस्तों 12, 12 कम हो जाएगा तो इफेक्ट क्या आएगा 8%। ठीक है, तो ये फाइनली 100 से 108 हो गया, क्या प्रभाव पड़ा 8% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं इसी तरह का एक सवाल। ठीक है, थोड़ा डिजाइन चेंज करके देखिए। देखिए यहां पर कर लेते हैं 30% और यहां पर कर लेते हैं 20%। ठीक है, फिर से सवाल बन गया। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को 20% कम कर देता है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं फिर से। हमको पता है खर्च मान लेते 100 था, 30% मूल्य बढ़ाया तो खर्चा कितना होगा भाई 130। जितना परसेंट मूल्य बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट खर्चा बढ़ जाएगा, या आप लोगों ने देखा तो खर्चा हमारा कितना हो गया 130। अब फिर 20% खपत को कम करेंगे यानी खर्चा भी हमारा क्या होगा 20% कम हो जाएगा। 20% किसका, 130 का 20% कितना होगा 26। 26 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 104। 100 से 104 हो गया, इफेक्ट क्या आया 4% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से कैसे देता है। देखिए दोस्तों, इसी में हम ऐड कर देते हैं कितना कम कर दे कि उसका खर्च सिर्फ 4% से बढ़े। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों का सवाल देखा था, आपने देखा कि मूल्य 100 था 130 हुआ, फिर 20% कम किया यहां से तो इसका 20% 24 आया, बना 104, नेट इफेक्ट 4%। तो हमें क्या करना है, अब पहले सवाल जो था उसमें ये 4% निकाला था, तब 20% यहां पे दिया गया था, अब ये 20% गायब कर दिया और सवाल क्या बना दिया, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे
कि उसका खर्च सिर्फ 4% से बढ़े। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब कि हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट यहां से गायब कर दिया और हमको ये दिया है। ठीक है, ये दिया। अब हमको दोस्तों पता है कि ये काम होना कहां से, यहां से होना है। ठीक है, ऑलरेडी बोलने की वजह से 30% बढ़ गया, फिर उसकी वजह से कुछ कम पड़ेगा और कम करने के बाद कह रहा है खर्चा 4% बढ़ा। तो इसको दूसरे तरीके से लिख के देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं 100 का मूल्य, बढ़ करके कितना हो गया 130। अगर मूल्य बढ़ा तो खर्चा भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा 130। अब खर्चा हमारा प्रेजेंट टाइम पे 130 है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका खर्च सिर्फ 4% से बढ़े, मतलब पहले 100 था तो अभी कितना करना चाहता है 104, 4% बढ़ा मतलब 104। अब ये 104 कब आएगा, जब खपत में कमी होगी, और खपत की कमी कहां से इफेक्टिव होगी, 130 से, क्योंकि बढ़ने के बाद हमारा मूल्य खर्चा ये हो गया। तो अब 130 को कितना कम करें 104 में, भाई 26 कम कर दें, किसे 130 को गुणे 100, ठीक है, कितना परसेंट हो जाएगा, 13 × 26 यानी 20%। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखिए वही सवाल था, थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, फिर से एक बार डिजिट चेंज करके हम लोग देख लेते हैं सवाल को। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला सवाल हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर 20% वृद्धि हुई थी तो खर्चा 8% बढ़ा था। ठीक है, मतलब सवाल हो गया चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च सिर्फ 8% से बढ़े। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम मान लेते हैं खर्चा उसका 100 था, मूल्य में वृद्धि हुई कितनी 20% की, तो खर्चा भी कितना होगा 120, लेकिन वो 120 नहीं करना चाहता भाई, कितना करना चाहता, सिर्फ 8% बढ़े। इसका मतलब क्या है, 8% बढ़ने का मतलब कि खर्चा अगर 100 था पहले तो कितना करना चाहेगा 108, लेकिन ये 108 कहां से आएगा, हम लोगों ने देखा दोस्तों सक्सेसिव प्रोसेस में जो बढ़ के आया वहीं से ये आएगा। तो 120 को कितना कम कर दे कि 108 हो जाए, ठीक है, 12 कम कर दे, किसे 120 को कितना परसेंट कम कर दे, ठीक है, तो ये आपका आ गया 10%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में जितने भी चेंजेस हैं सारे हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए जैसे यहीं पे कहता है कि यही सवाल इसी में थोड़ा सा एड कर लेते हैं, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च पहले से 10% कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, हो जाए, अभी उसने कहा था कि उसका खर्च क्या हो जाए, सिर्फ 8% बढ़े, आप कह रहा 10% कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे लिए वही 100 था मान लेते खर्चा, मूल्य की वजह से कितना होना चाहिए 120, लेकिन वो 120 नहीं करना चाहता, पहले से 10% कम, पहले कितना था 100, इससे 10% कम तो कितना 90 करेगा भाई। अब ये 90 कहां से आएगा, 120 से, कितना कम कर दे कि 90 हो जाए, 30 कम कर दे, किसे 120 को गुणे 100, कितना परसेंट, 3×4=25%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से डिजिट चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, ये डिजिट चेंज करके देखते हैं, सवाल बन जाएगा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च पहले से 15% कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम लोग बार बार चीनी का मूल्य लिखना ना पड़े, समय ना बर्बाद हो, इसलिए कह रहे हैं इस चीनी के मूल्य की जगह कभी कभी सवाल क्या कहता है ये हम आपको बता दे रहे हैं, पहले से समझ लीजिए इसको। चीनी के मूल्य की जगह कहता है कि सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में इतनी कमी हुई तो दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, जबकि उसका राजस्व पहले से 10% कम हो गया, 15% कम हो गया। ठीक है, कभी कहता है मजदूरों की मजदूरी में प्रतिदिन मजदूरी में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो मजदूरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि कुल खर्च पहले से इतना कम हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए या उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या अपना सवाल दोस्तों, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च पहले से 15% कम हो जाए। मान लेते उसका खर्च 100 था
और 25% मूल्य बढ़ा तो खर्चा कितना होना चाहिए, 125। ठीक है, अब कह रहा है कि खर्चा क्या करना, उसको पहले से 15% कम, पहले था कितना 100, इससे 15 कम तो दोस्तों कितना करेगा 85, लेकिन ये 85 आएगा कहां से, 125 से कितना कम कर दे, 25 और 15 40 कम कर दे, ठीक है, किसे कम कर दे, 125 को कितना परसेंट कम कर दे, 100, ठीक है ना भाई, 40 कम किया कहां से, 125 से बटे कर दिया, 125 पंजे 25 चौके 5 अठे 32% आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखिए थोड़ा सा चेंज और करते हैं हम लोग, देखिए अभी कह रहा था कुछ देर पहले सवाल में कहा कि कितना अपने खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे, अपने खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा सिर्फ 8% बढ़े, सिर्फ 10% बढ़े, फिर कहा खर्चा 10% कम हो जाए या 15% कम हो जाए। अब कह रहा कि उसकी उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, ये भी है दोस्तों। ठीक है भाई, अब कोई प्रभाव ना पड़े इसका मतलब क्या, 100 से मूल्य हो गया, मूल्य की वजह से खर्चा कितना हो गया 125, 25% जब वृद्धि हुई तो खर्चा मान लेते 100 था, 100 से कितना हो गया 125, अब 125 को कितना कम कर दें कि वापस 100 हो जाए, क्योंकि कह रहा है खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसका मतलब क्या है, पहले खर्च 100 करना चाहता था वही अभी भी करेगा, लेकिन 100 आएगा कहां से, 125 से कम होकर के। ठीक, तो कितना कम करें, 25 किसे, 125 को गुणे 100, 25 बजे 20%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार सारे क्वेश्चंस का रिव्यू देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था 100 से 120 हुआ। ठीक है भाई, अगर कहता है कि खपत को कितना कम करें कि उसका खर्च 10% से बढ़े, तो कितना रखेंगे 110, और ये आएगा कहां से 120 से, इसको कितना कम करेंगे 10/120 × 100। अगर कहता है खर्चा 10% कम हो जाए तो कितना हो जाए 90, 90 आएगा कहां से 120 से, कितना कम करेंगे 30/120 × 100। अगर कहता है कोई प्रभाव ना पड़े तो तुरंत यहां से यहां, तो अब कितना कम करें 100 हो जाए 20 किसको 120 × 100। देख रहे हैं दोस्तों ये तीनों चीजें हैं, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तीनों का सेम फॉर्मेट, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, अगर प्रभाव डालता है तो कितना डालता है वहां तक ले जाएंगे, नहीं डालता है तो वहीं पे ले आना है, बस इतना ही करना है। अब इसी जगह पे इसी क्वेश्चन को और कई तरीके से दिया जाता है, जैसे देखते हैं दोस्त एक सवाल लिख करके, किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में नहीं थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य ₹20 से बढ़कर ₹25 होने पर भी राजस्व अपरिवर्तित राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर कहेगा तो दर्शकों की संख्या में, कितने प्रतिशत
कमी हुई। ठीक है भाई, तो देखिए अभी तक हम लोग प्रतिशत में बात कर रहे थे इसी चीज की, अब यहाँ डायरेक्ट नंबर में बात कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है हमारे लिए। ठीक है, बस फर्क यहाँ पर देखना क्या है कि नेट इफेक्ट क्या है, मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर एक ही टिकट बिकता तो राजस्व कितना था, 20 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया बढ़कर के। लेकिन कह रहा है कि 25 नहीं हुआ, राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब जो राजस्व पहले था वो अभी भी है, इसका मतलब है निश्चित तौर पर कि दर्शकों की संख्या में कमी आई होगी। अब ये कमी कहां से आई होगी, 125 से, कितना कम करते हैं 125 को कि कोई प्रभाव मतलब 20 हो जाए, कितना कम करें दोस्तों, 5 किसे 25 को, कितना परसेंट कम करें। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपका आ गया 20%। ठीक है, कोई भी अब इसी सवाल में जैसे हम लोग ऐसे ही देख रहे थे दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब ये रुपए में दी चाहे जाए में दी, हम लोग का जो फॉर्मेट है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे अभी कहते हैं कि एक दलाल के दलाली की दर 4% से बढ़कर के 5% होने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। उम्मीद है सवाल सुन लिया होगा दोस्तों, एक बार फिर हो जाता है सवाल, किसी दलाल की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से सेम वही है आपका, दलाली गुणे व्यापार बराबर उसकी आय, यही सब होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहां पर होता यह है कि दलाली मिलती कहां से है, दलाली कहां से मिलती है, दलाली हमेशा उस चीज से मिलती है जो आपका बिक्री मूल्य है। मान लेते हैं एक आर्टिकल 100 रुपए का था तो उस 100 का 5% 4% दलाली मिलना था, तो अगर मान लो एक ही आर्टिकल बेचता तो उसकी इनकम कितनी होती, 4 रुपए होती। लेकिन अभी कह रहा है मूल्य की वजह से, दलाली की दर बढ़ने की वजह से इनकम कितनी होनी चाहिए, लेकिन 5, लेकिन कह रहा है 5 नहीं हो रही है, इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब 4 ही है, तो हमको क्या करना होगा, इस 5 को वापस 4 पे लाना होगा। कितना कम करेंगे दोस्त, 1 कहां से, 5 से, कितना परसेंट कम करेंगे, 20%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं थोड़े दूसरे रूप में। ठीक है, एक छोटा सा सवाल बनता है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 400 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का नया तथा पुराना मूल्य क्या था। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 400 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का नया तथा पुराना मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा था मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। ठीक है भाई, वहां पर हम लोगों ने देखा कि जब हमारा खपत कांस्टेंट और मूल्य और खर्च डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना परसेंट उसको बढ़ाया उतने परसेंट ये बढ़ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या किया है, उसने कहा है कि 400 रुपए में पहले से इतना अधिक, 400 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब ये है कि 400 रुपए का पहले कुछ खरीद रहा था और अभी भी 400 रुपए का ही खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो 400 रुपए का ही खरीद रहा है और पहले भी 400 का खरीद रहा था, यानी कि उसका खर्चा दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मान लो ये 10 था, ये 10 था और ये कितना था, 100, इसको 100 ही रखना हो और हम इसको दोगुना कर दें मूल्य को, तो ये यहां कितना रखना होगा दोस्तों, 20 गुणे कितना कह रहे हैं, 100 आ जाए 5,
तो आप देखेंगे यहां से मूल्य को क्या किया, दोगुना किया, 1:2 में कर दिया, ठीक है। तो खपत क्या हो गई आपकी, 2:1 हो गई, अगर खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं डालना है, मतलब जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा उसके व्युत्क्रम अनुपात में खपत आपकी कम हो जाएगी, अगर खर्च आपको स्थिर और नियत या कॉन्स्टेंट रखना है तो, ठीक है। या आप जनरल वे में सोच सकते हैं कि जनरली हम लोग सोचते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है भाई, अब उसका मूल्य 80 रुपए हो गया और हम कहें कि हमको 100 रुपए का ही लेना है, मूल्य 80 हो चुका, तो 100 रुपए में पहले एक वस्तु मिलती थी, अब या 1 किलो वस्तु मिलती थी 100 रुपए में, अब मूल्य 80 हो गया तो 100 रुपए में क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे अगर खर्चे पे परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और मूल्य आपका कम हो रहा है तो वस्तु की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यहां से एक विशेष तौर पे यहीं पर देख लेते, जैसे ये लिखा था, अब इसको हम अगर 5 कर दें और इसको 100 ही रखें, इस पे कोई परिवर्तन ना डाले, तो यहां कितना करना होगा, 20, मतलब इसको आधा किया तो ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जितना मूल्य कम करेंगे उतना खपत क्या होगी, बढ़ जाएगी, अगर खर्च आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस सवाल में कहा गया है कि मूल्य में 20% कमी हुई, ठीक है, और खर्च क्या है, कांस्टेंट 400 रुपए पहले खर्च करता था, अभी भी 400 ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि जितना प्रतिशत आपका मूल्य कम हो रहा है उतने प्रतिशत वस्तुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग देखें मूल्य में कमी आई 20%, तो 20% मूल्य कमी नहीं, हम कह सकते हैं 20% आर्टिकल हम ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक। तो जब 20% यहां ज्यादा खरीद रहे हैं तो वास्तव में कितना ज्यादा है, 5, दोनों ज्यादा ज्यादा तो बराबर कर दो और 100% निकाल दो, ठीक, 5 × 100/20, तो ये आएगा आपका 25 kg, यानी कि वो अभी ये नया मूल्य होगा दोस्तों, वो 25 kg खरीद रहा है कितने रुपए में, 400 रुपए, ठीक है। तो 1 kg कितने का खरीदेगा आपका, 400/25 यानी 16 रुपए में, ये आपका नया मूल्य हो गया। अगर पुराना पूछता है, ठीक है भाई, पुराने में अब देखिए वो 25 किलोग्राम अभी खरीद रहा है, नया अभी बताया 25 किलोग्राम खरीद रहा है, जबकि ये पहले से ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, 5 किलोग्राम, यानी कि इसमें से अगर 5 किलोग्राम माइनस कर दे तो पता चल जाएगा पहले कितना खरीद रहा था, कितना खरीद रहा था, 20, कितने रुपए में, वही 400 रुपए में, क्योंकि मूल्य कांस्टेंट। तो यहां से आप फिर से 1 kg निकाल दो तो नया मूल्य आ जाएगा 400/20 यानी आपका 20 रुपए। अब देखिए दोस्तों ये हमने आपको कॉन्सेप्ट ये क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि यही पूछ देता है कि अब वह 400 रुपए में कितना किलो खरीद रहा है, तो सीधे ये आंसर था 25 आपका। अगर पूछता कि पहले 400 रुपए में कितना खरीद रहा था तो आपका आंसर था 20, ठीक है ना दोस्तों। एक बार डिजाइन चेंज करके फिर से ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर कहते हैं 10% की कमी, ठीक है, तो 270 रुपए में 3 किलो अधिक, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सवाल आपका बन गया, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 270 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का नया तथा पुराना मूल्य हमने बताया दोस्तों, 10% कमी का मतलब अगर खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं डाला जा रहा है, मूल्य 10% कम होगा, इसका मतलब वस्तु 10% बढ़ जाएगी, 10% = 3, तो 100% = निकालेंगे 3 × 100/10 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 kg, कितने रुपए में, 270, ये आपका नया मूल्य होगा, यानी 30 kg मिला 270 रुपए में, तो 1 kg कितने का, 270/30 यानी कि 9 रुपए का। अगर पुराना मूल्य पूछता है तो अभी वो खरीद रहा है कितना, 30 kg भाई, है ना, जबकि ये पहले से ज्यादा है कितना, 3 kg, तो 3 माइनस कर दो, पहले कितना खरीद रहा था, 27 kg, कितने रुपए में, 270 रुपए में, तो 1 kg कितने का, 270/27 यानी 10 रुपए का। अब बोलिए दोस्तों ये समझ में आ गया, हम लोग उम्मीद करते हैं, और अगर आपको लगे थोड़ा सा आज मैंने स्पीड बढ़ाई है, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन भेजें, या और भी कोई चीज सुधार करने की जरूरत है मुझे तो प्लीज प्लीज आप बताएं, आपका सहयोग या आपका सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चिन्ह और करते हैं किस सवाल में कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां पर चीनी बहुत दिनों से लिखा है, बहुत देर से लिखा है दोस्तों, हम लोग इसको बदल लेते हैं, टॉफी कर लेते हैं, टॉफी, ये थोड़ा सा पसंद है हमको मीठी चीजें। टॉफी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति ₹1 में 5 टॉफी अधिक खरीद सकता है, ₹1 में 5 टॉफी अधिक खरीद सकता है। तो ₹1 में प्राप्त टॉफियों की संख्या क्या थी, ठीक है दोस्तों। फिर से एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, कहता है टॉफी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई व्यक्ति ₹1 में 5 टॉफी अधिक खरीद सकता है, तो ₹1 में प्राप्त टॉफियों की संख्या क्या थी या क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हमने दोस्तों अभी देखा था कि ये कह रहा है ₹1 में 5 अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब ₹1 पहले भी खरीद रहा था और अभी भी ₹1 में ही खरीद रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे यहाँ पर 20% की कमी आई और खर्चा उसने परिवर्तित नहीं किया, इसका मतलब टॉफियों की संख्या क्या होगी, 20% बढ़ जाएगी। जब यहाँ 20% बढ़ी तो वास्तव में कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी, 5 अधिक मिली, 20% बराबर 5 तो 100% बराबर 5 × 100/20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 टॉफी, यानी कि ₹1 में 25 टॉफी, ये कौन सा होगा दोस्तों, नया बताया था नया, ₹1 में 25 टॉफी अभी खरीद रहा है। पूछा क्या थी, मतलब पहले कितना खरीद रहा था, पहले इससे 5 कम, क्योंकि अभी अभी जो है वो 5 अधिक है, तो पहले क्या होगी 5 कम, यानी कि कितनी खरीद रहा था, 20, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ₹1 में 20 टॉफी। अब यहां से कभी कभी ये कहता है ₹4 में कितना खरीदेगा, तो ₹1 में 20 दोस्तों, तो ₹4 में कितना, 80, बिल्कुल ठीक है भाई। थोड़ा सा एक सवाल और देते हैं, इसी में थोड़ा सा कभी कभी ये थोड़ा ट्विस्ट कर देता है कि 16 सही 2/3%। अब देखिए दोस्तों यहां से हम लोग इसकी कहानी शुरू करेंगे, अभी तक हमने ऐसे प्रतिशत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। अगर इतनी कमी हुई तो कह रहा 4 टॉफी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों सीधे सीधे 16 सही 2/3% बराबर आप कर तो देंगे अकॉर्डिंग टू पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग ये कर तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में। तो इसको हम लोग क्या करें, जब भी ये परसेंट वैल्यू आती है आगे से याद रखना, फ्यूचर कभी भी किसी भी चैप्टर में अगर ये प्रतिशत वैल्यू आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रतिशत को कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे 16 × 48 = 50/3, उम्मीद है ये आता होगा सबको दोस्तों, 16 × 3 + 3%। अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 300 कर देंगे और ये हो जाएगा 1/6, यानी इसी को हम लोग लिख करते हैं 1/6। तो हमको पता है कि अगर 1/6 की कमी हुई, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, 1/6 बढ़ जाएगी। जब 1/6 बढ़ी तो वास्तव में कितनी बढ़ी, 4, तो अब बराबर निकालेंगे 1 बराबर, ठीक है, तो 4 × 6/1 ये उधर जाएगा बटे में, तो ऐसे हो जाएगा 24, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों अगर इसको हम प्रतिशत में रखते तो यहाँ 100% निकालते, क्योंकि परसेंट का बेस वैल्यू 100 होता है, लेकिन जब फ्रैक्शन में किया तो उसका बेस वैल्यू 1 होता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 1 = 2 निकालेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या गया, ₹1 में 24, लेकिन ये कौन सा वाला आया होगा दोस्तों, नया वाला है कि नहीं, तो पुराना क्या रहा होगा, ₹1 में 24 अभी है, जबकि पहले से ज्यादा है कितना, 4, 4 माइनस कर लो कितना रहा होगा, 20, यानी ₹1 में 20 आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और आपका ये पार्ट भी खत्म हुआ, और आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और अब इस चैप्टर के बाद हम लोग कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्जामों में परेशान करते हैं, पूछे जाते हैं, और विदिन सेकेंड हम लोग उनको लगा सकते हैं। आप जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए इन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज करके, इन्हीं के
एक एक सवाल में दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ जब देता है तो क्वेश्चन हमको लगता है बड़ा है, लेकिन वही क्वेश्चन सबसे आसान होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसपे अब हम चुटकियों में आंसर निकालना सीखेंगे अगले वीडियो से। और अगला वीडियो तभी आएगा दोस्तों जब जब आपका प्यार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज हमारे एक्सपर्ट फॉर्म ट्यूटोरियल चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतने लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और उनको उसका फायदा मिलेगा, और उतने हमारे पास सजेशन भी आएंगे और उम्मीद करेंगे उन सजेशन पे थोड़ा सा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कि नमस्कार दोस्तों।